देखिए आज की ताज़ा खबर। सलमान खान के चलते बुरे फंसे शाहरुख, अजय और रणवीर। बी टाउन के सुल्तान सलमान खान वैसे तो हर साल ईद पर अपनी फिल्म रिलीज करते हैं, पर जब से उनकी फिल्म टाइगर जिंदा है क्रिसमस पर रिलीज होकर उनके करियर की सबसे सफल फिल्म साबित हुई है, तभी से सलमान ने क्रिसमस पर भी अपना कब्जा जमाने का निर्णय ले लिया है। बता दें सलमान की मच अवेटेड फिल्म दबंग 3 की शूटिंग इस साल अप्रैल से शुरू होगी और खबरों के मुताबिक दबंग के इस तीसरे इंस्टॉलमेंट को दिसंबर में ही रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन किंतु परंतु इस साल दिसंबर का शेड्यूल पहले से ही टाइट है, जहां 3 बैक टू बैक रिलीजेस बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, जहां पहले नंबर पर है अजय देवगन का टोटल धमाल जो कि 7 दिसंबर रिलीज होने जा रही है। वहीं शाहरुख खान की जीरो 21 दिसंबर और रणवीर सिंह की सिम्बा जो कि 28 दिसंबर रिलीज होने की तैयारी में है। ऐसे में दबंग 3 के चलते सभी की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप भी एक्साइटेड हैं फिल्मों से पैक दिसंबर 2018 के लिए? हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। पाकिस्तान से मिली पद्मावत को हरी झंडी। वेल, संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को देश के साथ साथ अब अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, इस दिन संजय लीला भंसाली के इस एपिक ड्रामा पद्मावत को पाकिस्तान में भी रिलीज करने का परमिशन दे दिया गया। सोर्सेस के मुताबिक एक भी एक्सीजन के बगैर ही इस फिल्म को पाकिस्तानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स ने पास कर दिया है। वैसे संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी ये ओपस मलिक मोहम्मद जैसी के कविता पद्मावत पर आधारित है, जहां दीपिका पादुकोण रानी पद्मिनी के किरदार में दिखाई देंगी, तो वहीं शाहिद कपूर, मेहरवाल, रतन सिंह और रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में नजर आएंगे। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। दोस्तों पिछले कुछ समय से ही अफवाहों का बाजार गरम है कि सलमान खान अपनी मच अवेटेड फिल्म दबंग 3 की प्लानिंग कर रहे हैं और अब खबरें हैं कि सलमान दबंग के इस तीसरे इंस्टॉलमेंट की इस साल अप्रैल से शूटिंग भी शुरू करने जा रहे हैं। खबरों का तो ये भी दावा है कि दबंग का ये तीसरा इंस्टॉलमेंट इस ही साल दिसंबर में रिलीज हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल की चर्चाएं जोरों पर हैं। बात हो रही है इंडस्ट्री के दूसरे सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म रईस की। दरअसल हाल ही में इस फिल्म के मेकर्स की एक ट्विटर कॉन्वर्सेशन ने इसके सीक्वल की तरफ इशारा किया था और तभी से इसके सीक्वल को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। यानी खान्स और सीक्वल्स के इस कॉम्बिनेशन के साथ ये साल खान टैस्टिक होने जा रहा है। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। सलमान खान कई बी टाउन सुपरस्टार्स के गॉडफादर रह चुके हैं। कहा जाता है सलमान इंडस्ट्री के वो पारस पत्थर हैं जिनके छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। तभी तो एक बार सलमान खान ये कहते पाए गए कि वो रास्ते से किसी को भी उठाकर सुपरस्टार बना सकते हैं। बता दें ये वाकया उन दिनों का है जब सलमान और कटरीना का रिश्ता एक रफ फेज से गुजर रहा था। ऐसे में एक दिन सलमान ने ऐसे ही एक आर्गुमेंट के दौरान कटरीना से कहा कि तुम्हें मैंने स्टार बनाया है, तुम जो भी हो मेरी वजह से हो। लेकिन कटरीना को ये बात मंजूर नहीं थी। इसके बाद कटरीना ने सलमान को चैलेंज किया कि मैं अपने टैलेंट के दम पर हूँ, वरना किसी और को सुपरस्टार बना के दिखाओ। बस और क्या, सलमान ने डीजी शाह को उठाया और लॉन्च कर दिया। मैं हूँ मेघा, हमें अपनी राय बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी और टेली अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। एक बार फिर सुल्तान ने जीता इंटरनेशनल अवार्ड। शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर जैकी चैन एक्शन अवार्ड जीतने के बाद अब बारी थी तेहरान फिल्म फेस्टिवल की, जहां सुल्तान के लिए सलमान खान को बेस्ट एक्टर, अनुष्का शर्मा को बेस्ट एक्ट्रेस और अली अब्बास जफर को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। बता दें ये सुल्तान के लिए बेहद गर्व का मौका था। वैसे इससे एक बात तो तय है कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सिर्फ सलमान का ही सिक्का चलता है। बात करते हैं सुल्तान की, तो इस रेसलिंग ड्रामा को सलमान खान के करियर के माइलस्टोन्स में से एक माना जाता है। ऐसे में ये अवार्ड उनकी शान में और भी 4 चांद लगा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कुछ गर्व सुल्तान के अवार्ड जीतने का? हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में।